ठाकुर के बिंदास बोल से मैं उमेश ठाकुर। आज आप सभी को एक दुखद घटना के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। 5 मई 2024 को मराठी इंडस्ट्री के एक बेहतरीन एक्टर, इनका देहांत हुआ है, जिनका नाम है क्षितिज झराबकर। वो खुद राइटर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं और एक्टर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन इंसान थे वो। मैंने उनके साथ लौंगी मिर्ची कोल्हापुर से इस प्ले में काम किया था और तब से हमारी एक दोस्ती थी। तभी से मैं क्षितिज को जानता हूँ। हालांकि क्षितिज झराबकर ये अमेरिका से जब इंडिया आए हैं तभी उन्होंने सुंदरा मनात भर ली। ये जो लावणी का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने काम किया था, शायद, अब मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उससे वो जुड़े थे। और उसके बाद वो अपना एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन का जो का काम था वो करने लगे मराठी इंडस्ट्री में। बहुत सारे फिल्मों का उन्होंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखे हैं। बहुत फिल्मों में उन्होंने काम किया है और कुछ फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है। तो ऐसे क्षितिज झराबकर हमारे बीच नहीं रहे। उनको कैंसर था और उससे वो फाइट कर रहे थे। लेकिन मुझे बहुत खेद है ये वक्तव्य करते हुए कि हमारे बहुत सारे कलाकार जो हैं, मित्र, वो ज़्यादातर चेन स्मोकर्स होते हैं या शराब के आदी हो जाते हैं। तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। क्षितिज झराबकर जो थे वो बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीने वाले एक कलाकार रहे हैं। उनका एक अलग सा ऑरा था, काम करने की एक स्टाइल थी। उन्होंने छत्रपति संभाजी इस सीरियल में भी काम किया है। बहुत ऐतिहासिक सीरियल्स में वो काम करते थे। जगदम्ब क्रिएशन के साथ वो जुड़े थे। और मैं सभी सभी कलाकारों को ये विनती करता हूँ ठाकुर के बिंदास बोल से कि भाई जो भी आदतें, हमसे स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना या तंबाकू का सेवन करना, वो करिए, लेकिन कुछ लिमिट रखिए। समाज के लिए हम एक आदर्श रहते हैं। समाज हमको देखकर कुछ सीखते हैं, या हम जब समाज को एंटरटेन करते हैं तो हमारा ये दायित्व है कि भाई हम समाज में कुछ अच्छा मैसेज दें। बहुत सारे कलाकार हैं, मैं बहुत ही दुखी हूँ इस बात को लेकर कि इसके पहले भी बहुत सारे कलाकार कुछ नशाओं के वजह से हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स रहे हैं, बहुत ही टैलेंटेड टेक्नीशियंस रहे हैं, वो इन्हीं कारणों से हमें छोड़ के चले गए हैं। जो भी आपको आदतें हैं वो उसका लिमिट रखिए, क्योंकि क्षितिज, वी मिस यू अलॉट। और आप बहुत ही प्यारे इंसान थे, बहुत ही एक स्टाइलिश, आपका एक मैनरिज्म था, चाहे वो स्मोकिंग करने का हो या बात करने का तरीका हो, बहुत प्यारे तरीके से आप पेश आते थे, मुझे याद है। और जो भी है वो कमेंट बहुत प्यारे आप करते थे। हम पूरे मराठी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, लोग हैं, वो सब आपको मिस करेंगे। और मैं ठाकुर के बिंदास बोल से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत दुख हो रहा है कि आप सिर्फ 54 साल की उम्र में सबको छोड़ के चले गए हैं। ठाकुर के बिंदास बोल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।